तो देखिए इसके बाद हम लोग का फोर्थ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है, फोर्थ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्या आता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगला पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हमारे पास आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसका नोटेशन जो है वो ये वाला ब्रैकेट है, कर्ली वाला ब्रैकेट। अगेन कैसे पहचानोगे कि कर्ली ब्रैकेट है या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अलग से लिख दिया जाएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का हो, फ्रैक्शन का हो, तो क्वेश्चन के साइड में जरूर लिख दिया जाता है कि वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है तो आप इसको एक सिंपल सा ब्रैकेट मान के चलोगे, फिर आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं मान के चलोगे। तो क्वेश्चन में क्लियरली हर क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, तभी आप जानना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट, अदरवाइज ये सिंपल सा ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की स्टार्टिंग हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स से। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है 2.7, तो आप किसी भी नंबर को एक्स वाई जेड, आप किसी भी दुनिया के नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो कि आप इसका इंटीग्रल पार्ट देखिए अलग लिखिए, इसका इंटीग्रल पार्ट है 2 और इसका डेसिमल पार्ट या इसका फ्रैक्शन पार्ट अलग लिखिए। आप किसी भी नंबर को उसके इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो। जैसे 3.1 है, तो आप उसको इसके इंटीग्रल पार्ट और इसके फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आप दुनिया के किसी भी नंबर एक्स को उसके इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो। इसका इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहलाता है, जो अभी आपने पढ़ा, इसका इंटीग्रल पार्ट। और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वही कहलाता है, ये देखिए, फ्रैक्शन ऑफ एक्स। तो इस तरीके से एक्स इक्वल टू क्या मिला? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यू, ये आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? आप किसी भी नंबर को उसके इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिख सकते हो, और ये प्रैक्टिकली भी आप यहां से देख सकते हो कि आप किसी भी नंबर को उसके इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के सम में ब्रेक कर सकते हो। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी इसके यूज से आप एक दूसरे में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप एक्स को जब मर्जी चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स में ब्रेक कर सकते हो, आप जब मर्जी चाहे फ्रैक्शन एक्स को यहां से देखिए क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फ्रैक्शन एक्स ही तो हम लोग को पढ़ना है, तो फ्रैक्शन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को जब चाहे तब क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसको भी समझिएगा, ये जरूरी नहीं कि फॉर्मूला, ये वैसे भी आपकी समझ होनी चाहिए कि अगर आप किसी नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को हटा दो तो ऑटोमेटिकली उसका फ्रैक्शन पार्ट ही तो बचता है। जैसे 2.7 में से अगर आप इसका इंटीग्रल पार्ट 2 हटा दो तो ऑटोमेटिकली इसका फ्रैक्शन पार्ट ही बचेगा। तो वही है, अगर किसी नंबर x में से आप उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो वो फ्रैक्शन पार्ट ही बचता है। अच्छा, दूसरी बात, ये फ्रैक्शन जो है ये हमेशा डेसिमल में आता है ना। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच के क्वांटिटी होती है। फ्रैक्शन x जो है वो हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी होती है। देखिए ना, ये डेसिमल वाला पार्ट ही फ्रैक्शन कहलाता है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच का होगा। 0 हो सकता है ना भाई, इंटीजर आ गया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। जैसे 2 लिखा है, इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। 1 नहीं हो सकता, 1 फ्रैक्शन नहीं है, बिकॉज 1 जो है वो क्या है, इंटीजर। तो शुरुआत ही हम लोग की कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट से होती है, ये रिजल्ट आपको नोट करना है और साथ में इनको याद भी रखना है। ठीक है, इनके बाद अब हम लोग चलिए कुछ एग्जांपल्स में फ्रैक्शन पार्ट कैलकुलेट करते हैं कुछ नंबर्स का। जैसे भाई अभी आपने एग्जांपल देखा कि 2.7 का फ्रैक्शन पार्ट, आप सभी लोगों ने इसका फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट कितना बताया, 0.7, वेरी इजी। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.7 कितना आएगा, ये भी 0.7 आएगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4.7 कितना आएगा, ये भी 0.7 आएगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.7 कितना आएगा, ये भी 0.7 आएगा।
तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि ये वन इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, चाहे 0.7 हो, चाहे 1.7 हो, चाहे 2.7 हो, चाहे 3.7 हो, चाहे 4.7, सबका फ्रैक्शन पार्ट सेम रहेगा। तो ये वन इंटरवल के बाद ये फ्रैक्शन जो है ये अपनी वैल्यू उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो फ्रैक्शन जो है एक तरीके से हमें समझ में आया कि ये वन इंटरवल के बाद जब अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो अपनी वैल्यू को रिपीट करे। तो वन इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, दूसरा जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1.4, तो आप इसका फ्रैक्शन बता सकते हो, इट इज सिंपली 0.4। अच्छा, मान लीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ 3 पूछा जाए, तो फ्रैक्शन ऑफ 3 जो है वो क्या होगा, 0। इंटीजर का फ्रैक्शन 0 होता है, इंटीजर का डेसिमल पार्ट 0 होता है, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट जो है वो क्या होता है, 0। तो ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स का फ्रैक्शन पार्ट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब हम निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे हम -2.3 का फ्रैक्शन निकालते हैं, तो निगेटिव नंबर में भाई थोड़ा सा इश्यू है। जैसे पॉजिटिव में अगर ये 2.3 होता तो आप इसका फ्रैक्शन 0.3 बता देते, लेकिन अभी आप इसका फ्रैक्शन 0.3 नहीं बताओगे, अभी इसका फ्रैक्शन बनेगा 0.7। कैसे कैसे बना, ये जानने के लिए आप इस फॉर्मूले पे आइए। कौन सा फॉर्मूला, फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसमें x की वैल्यू -2.3 डाल दीजिए, तो -2.3 का जो फ्रैक्शन आएगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाला, -2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और ये कितना आ गया देखिए, 0.7, है ना। तो इसलिए निगेटिव नंबर में ध्यान रखिएगा, -2.3 है जैसे, तो इसका फ्रैक्शन 0.3 नहीं होगा बल्कि 0.7 होगा। यहां से दो कंक्लूजन जानते हैं कि एक तो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव में आंसर नहीं आएगा फ्रैक्शन पार्ट का, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में आता है, 0 से 1 के बीच आता वही फ्रैक्शन होता है। दूसरी बात, अगर निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन निकालना हुआ तो जो दिख रहा है फ्रैक्शन में वो नहीं होगा, बल्कि उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वही फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जो दिख रहा है वो फ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि जो दिख रहा है उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वही फ्रैक्शन आएगा। जैसे -1.4, तो इसका फ्रैक्शन आप बता सकते हो 0.6, निगेटिव नंबर है, जो दिख रहा है डेसिमल पार्ट उसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो उसका फ्रैक्शन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शन निकालते हो, जैसे -2.7, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.3। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक, और आप इन एग्जांपल्स को जस्ट लिख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स, सारे ना लिखो आप, जैसे आप ये 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 लिख लो, है ना, इसमें से आप जैसे आप ये लिख लो, ये लिख लो, तो इन एग्जांपल्स को लिख लीजिए पहले, फिर उसमें से कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। देखिए इसके बाद जो है, तो अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि इफ एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, अगर h जो है वो क्या है, आपका बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, देन फ्रैक्शन ऑफ माइनस एच क्या होगा, अगर h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है तो फ्रैक्शन ऑफ माइनस एच क्या होगा। देखो ध्यान से, h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, उसके पीछे माइनस लगा है तो ये निगेटिव नंबर बन गया। मैंने आपको बताया कि निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जो फ्रैक्शन दिखता है, जो फ्रैक्शन आपको क्या होता है दिखता है, उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताते हो। तो यहाँ पे h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो h ही फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर आप बताओगे 1 में से h को सब्ट्रैक्ट करके। h अगर बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है तो माइनस h का जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 माइनस h आएगा, 1 में से इसका डेसिमल पार्ट जो फ्रैक्शन पार्ट जो दिख रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करके आप बताओगे 1 माइनस h आएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा कि इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है,
एक्स क्या लिया मैंने, जीरो से पाई बाई टू लिया, चलो ओपन लगा, जीरो से पाई बाई टू नहीं माइनस पाई बाई टू से जीरो लेते हैं, चलो ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं माइनस पाई बाई टू टू जीरो, देन फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स चलिए पता लगाते हैं कि क्या होगा, व्हाट विल बी फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो ध्यान से देखिए माइनस पाई बाई टू से जीरो में ये साइन एक्स निगेटिव होता है, तो फ्रैक्शन एक्स के अंदर जो है वो क्या क्वांटिटी आ गई, निगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, वन में से जो इसका डेसिमल पार्ट दिखता है, जो इसका फ्रैक्शन पार्ट दिखता है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो इसका डेसिमल पार्ट क्या दिख रहा है, देखिए माइनस पाई बाई टू से जीरो में एक तो ये निगेटिव है, ऊपर से ये माइनस वन से जीरो के बीच है, मतलब ये मैग्नीट्यूड में तो ये खुद ही फ्रैक्शन है ना, ये माइनस वन से जीरो के बीच है, माइनस वन से जीरो के बीच है, ये मैग्नीट्यूड में क्या है, ये खुद ही डेसिमल है, बस इसको जो है तो इसका जो दिखता है डेसिमल वो आपको डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव में लेकर के वन को वन में सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो ये तो जो भी डेसिमल पार्ट है खुद ही डेसिमल पार्ट है, लेकिन ये डेसिमल पार्ट निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए आप इसको माइनस साइन एक्स करो, वन माइनस माइनस साइन एक्स देखे करना पड़ेगा, क्यों, फिर से देख लीजिए, बिकॉज साइन एक्स इज निगेटिव इन दिस इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू जीरो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसके पीछे माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो ये है माइनस साइन एक्स, क्योंकि डेसिमल पार्ट आप प्लस में लेते हो, डेसिमल पार्ट के पीछे माइनस नहीं लगता, लेकिन ये साइन एक्स तो निगेटिव में है तो इसके पीछे मैंने माइनस लगा दिया ताकि इसका डेसिमल पार्ट प्लस में आ जाए, ठीक है, ये क्या आ जाए, ये आपका प्लस में हो जाए, और फिर वन में से वही घटाते हैं, वही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स, तो अगर x माइनस पाई बाई टू से जीरो है तो फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, तो इस तरीके से आपको करना होगा, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ करना है, तो ग्राफ करने के लिए फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपने पढ़ा है पीछे फ्रैक्शन एक्स क्या होता है, इट इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पीछे लिखा हुआ है आपने, ठीक है, आप देख सकते हो, हालांकि आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, मैंने बताया ना किसी नंबर में उसके इंटीग्रल पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली उसका फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट ही बचता है, ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्सिस, यस, तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो मैंने पिछली क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ के टाइम पे बताया था कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा उसके अलावा आपको इस ग्राफ को केसेस लेकर के ड्रॉ करना होता है, केस लेकर के, तो जैसे मान लीजिए कि हमने केस वन लिया, केस वन लिया एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, जीरो पे क्लोज वन पे ओपन, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में क्लोज राइट साइड में ओपन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने लेफ्ट की वैल्यू लेता है, तो यहां से आपका जो फ्रैक्शन एक्स है दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, जीरो से वन में एक्स, जीरो से वन में दिस फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, अगर एक्स जीरो से वन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहां से आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू एक्स, जीरो से वन में फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू एक्स, अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको जो है तो आपको यहीं से निकालने की, यहीं से डिराइव करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि अगर कोई नंबर जीरो से वन के बीच में है तो उसका फ्रैक्शन वही आ जाता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर जीरो से वन के बीच में है तो इसका मतलब वो खुद ही फ्रैक्शन है, जीरो से वन के बीच कुछ भी आप ले लो, 0.1, 0.2, 0.9, वो खुद ही फ्रैक्शन है, तो इसलिए आप फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, ठीक है, तो अगर कोई नंबर जीरो से वन के बीच है तो उसका फ्रैक्शन सिंपली वही आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इसी कारण से अगर मान लीजिए कहीं पे डबल फ्रैक्शन एक्स लिखा है तो इट विल बी सिंपली फ्रैक्शन एक्स, क्यों, क्योंकि इस वाले फ्रैक्शन के अंदर की क्वांटिटी ये फ्रैक्शन एक्स है जो जीरो से वन के बीच की क्वांटिटी है, और अगर ये जीरो से वन के बीच की क्वांटिटी है ये वही बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फ्रैक्शन है,
तो इसलिए इसका आउटपुट ही आ जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन के अंदर की क्वांटिटी 0 से 1 के बीच है तो वो उसका आउटपुट जो है वो वही आ जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा अब इसमें ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शन x जो है वो सिंपल y इक्वल टू x लाइन को के ग्राफ को फॉलो करेगा। ठीक ठीक है, अगर हमारा x जो है वो क्या है 0 से 1 के बीच में है तो हमारा जो फ्रैक्शन x है वो किस को फॉलो करेगा, देखिए y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करेगा ये। अच्छा दूसरा केस जरा लीजिए, केस टू। तो अगर आप केस टू लोगे कि x बिलोंग्स टू 1 टू 2, तो अगर x बिलोंग्स टू 1 टू 2 लोगे तो जरा देखिए फ्रैक्शन x कितना आएगा। फ्रैक्शन x इक्वल टू यहां से देखिए पहले x माइनस, अगर x 1 से 2 में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, ये x माइनस 1। तो इसका मतलब अगर x आपका 1 से 2 के बीच में है तो आपका फ्रैक्शन x किस ग्राफ को फॉलो करेगा, आपका फ्रैक्शन x x माइनस 1 ग्राफ को फॉलो करेगा। x माइनस 1 इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x। ये जो लाइन है ये इसी लाइन x के पैरेलल होगी, लेकिन ये x इक्वल टू 1 से पास करेगी। x इक्वल टू 1 से क्यों पास करेगी, x इक्वल टू 1 से क्यों पास करेगी भाई, x इक्वल टू 1 से इसलिए पास करेगी क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा 0, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 0 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ से पास करेगी। ठीक है, तो इसलिए फ्रैक्शन x इक्वल टू x माइनस 1 इस तरीके का ग्राफ आएगा। वन मोर थिंग, आपको अगर x बिलोंग्स टू 1 टू 2 तो फ्रैक्शन x इक्वल टू x माइनस 1 लिखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूले का यूज करो, आप ऐसे भी सोचिए कि अगर कोई नंबर 1 से 2 के बीच में है तो उसका डेसिमल पार्ट आप कैसे निकालते हो, उस नंबर में से 1 सबट्रैक्ट करके। जैसे कोई नंबर 1 से 2 1.3 ले लीजिए, तो उसका डेसिमल पार्ट निकालने के लिए आप उसमें 1 सबट्रैक्ट करते हो। अगर कोई नंबर 1 से 2 के बीच में है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो फ्रैक्शन x इक्वल टू x माइनस 1। इसी तरीके से अगला केस मान लीजिए कि लिखा है कि इफ x बिलोंग्स टू 2 टू 3, आप फॉर्मूले पे मत जाइए, आप सीधे बोलोगे ना कि फ्रैक्शन ऑफ x जो है दैट विल बी सिंपली x माइनस 2, क्योंकि 2 से 3 के बीच में है, आप उसमें से अगर आप 2 सबट्रैक्ट कर दो तो उसका डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो इन सब के पैरेलल है, ये x इक्वल टू 2 पे 0 हो रही है या x इक्वल टू 2 से पास कर रही है, तो फिर ये आपको फिर कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक, तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, यही देखो यही वाला ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में। ठीक है, आगे जो है तो 3 से 4 में भी यही ग्राफ रिपीट होगा, तो यही ग्राफ आप देख रहे हो कि बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला 0.3, इसी तरीके से ये 4, इसी तरीके से ये माइनस 1, तो यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, I can say कि this graph is a periodic function या this fraction x is periodic function with period 1. 1 से period से क्यों? क्योंकि देखिए periodic function मैंने sin x, tan x trigonometry में आपको बताया था कि अगर कोई function अपनी value को repeat करे, अपने graph को repeat करे तो वो periodic function होता है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? Fraction x is a periodic function. कितने interval के बाद repeat कर रहा? 1 interval के बाद repeat कर रहा। इसलिए ये एक periodic function होगा with period 1. और इधर भी ये ग्राफ अभी चलता चलेगा, इधर भी ये ग्राफ अभी चलता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखिए इसकी अपर वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू 1 से नीचे ही रह रहा है। ठीक है, ये ग्राफ हमेशा 1 के नीचे रह रहा है, ये 1 वाली लाइन। ठीक, तो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स। इसमें आप चाहो तो और भी एक दो यूनिट एड कर लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये देख लीजिए ये फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ है। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी यहीं पे मैं लिखता हूं पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हम ग्राफ देख करके लिखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका डोमेन क्या है, व्हाट इज इट्स डोमेन।
आपको दिख रहा है ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। ये सारे x के लिए डिफाइंड है, ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड आ रहा हो। दूसरा दूसरा इसका रेंज देखते हैं, रेंज मतलब y की वैल्यूज। तो आप इसका रेंज अगर y की वैल्यू देखोगे तो देखिए ये क्या दिख रहा है, जीरो से वन के बीच हमेशा हमेशा इसका आउटपुट या रेंज जो है वो जीरो से वन के बीच में आ रहा है, जीरो पे क्लोज्ड, वन पे ओपन। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन जीरो हो सकता है लेकिन वन नहीं हो सकता। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इनइक्वालिटी भी आती है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स या फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी फंक्शन का फ्रैक्शन जो है वो हमेशा जीरो से वन के बीच होता है, हमेशा। तो ये इनइक्वालिटी आपको काफी काम में आएगी कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, सो दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी यहीं पे देखिए, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे, जीरो पे डिसकंटिन्यूअस मतलब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, वन पे, टू पे, थ्री पे। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। Discontinuous at every integer. Okay, next. Fourth property आती है. Fourth property ये है कि अगर मान लीजिए कि fraction of x plus integer आ गया, fraction of x plus n आ गया, तो एकदम याद रखिएगा ये हो जाता है simply fraction of x. मतलब fraction के अंदर अगर कोई integer है तो आप उस इंटीजर को बाहर नहीं निकालते, बाहर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में निकालते हैं, आप उस इंटीजर को सीधे गायब ही कर देते हो, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि इंटीजर का फ्रैक्शन जो है वो जीरो होता है। तो इसलिए फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर ऐड भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको आप इलिमिनेट कर सकते हो। तो इसको याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर मिले उसको तुरंत गायब कर सकते हो। आप इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि जैसे फ्रैक्शन ऑफ 2.7, यस यू कैन से इट इज 0.7, आप इसको अगर लिखो 2 + 0.7, है ना, तो आप 2 को गायब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज सिंपली 0.7 का फ्रैक्शन एंड इट इज 0.7। तो इंटीजर को एलिमिनेट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। ग्राफिकली जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 1 इंटरवल के बाद। तो अगेन अगली एक प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। ठीक है, फ्रैक्शन एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो कितना है, 1 है। ओके, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम लोगों ने ये एक रिलेशन डिराइव किया था, याद करिए, फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ फ्रैक्शन एक्स में एक रिलेशन डिराइव करते हैं। तो देखिए भाई, ये दोनों इक्वल होंगे कब, अगर x इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ x इज इंटीजर तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इंटीजर है x तो ये जीरो हो जाएगा, इंटीजर का फ्रैक्शन ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है नॉन इंटीजर में। तो नॉन इंटीजर में कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लीजिए तो ज्यादा बेटर है। जैसे हमने x इक्वल टू 1.3 लिया, तो यहां पे देखिए माइनस 1.3 का फ्रैक्शन आ जाएगा 0.7 और यहां पे आएगा माइनस ऑफ 1.3 का फ्रैक्शन आएगा 0.3। तो इसको इसके इक्वल करने के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, कब, इफ एक्स इज नॉन इंटीजर। ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये निगेटिव था तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक, अब इसको फिर से याद रखने वाले फॉर्मेट में लाते हैं। तो इस माइनस ऑफ फ्रैक्शन एक्स को इधर ले आइए, जब माइनस ऑफ फ्रैक्शन एक्स को आप दूसरी साइड में ले जाओगे तो अभी देखिए आपके पास आएगा फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, दो केस में हमारे पास आंसर आना है। ये वाले में आएगा जीरो, कब, इफ एक्स इज इंटीजर।
और यहां पे इधर जब ले जाओगे तो आएगा इस बार प्लस वन इफ एक्स इज नॉन इंटीजर, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। इसका भी यूज आपको कब पड़ेगा भाई? इसका भी यूज आपको पड़ेगा जब फ्रैक्शन के अंदर से निगेटिव को हटाना है। अगर फ्रैक्शन के अंदर से निगेटिव को हटाना है तो आप ये रिजल्ट यूज करके इसको दूसरे में बदल दोगे। तो ये आपका हो गया अगला रिजल्ट, ठीक है। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और चीज, सेवंथ प्रॉपर्टी मान लीजिए कि सिंस फ्रैक्शन एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड वन, तो अगर आप इसके रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहते हो, याद करिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको याद दिलाया था कि जब कभी भी साइन एक्स इक्वल टू मान लीजिए कॉस एक्स इक्वल टू कुछ भी होता है तो रिजल्ट आप क्या करते हो, एक पीरियड में रिजल्ट लिख के उसको जनरलाइज करते हो। जनरलाइज कैसे करते थे? एन इंटू पीरियड एड करके। जैसे साइन में आप टू टू पाई इंटू एन टू एन पाई एड करके जनरलाइज करते थे, उसी तरीके से फ्रैक्शन एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड वन, इसमें एन इंटू वन मतलब एन एड करके आप अपने रिजल्ट को जनरलाइज करोगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो इसका जनरल आंसर पता है क्या लिखोगे? एक पीरियड में तो आंसर हाफ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको आप जनरलाइज कर दीजिए प्लस एन एड करके या प्लस आई एड करके, ये जनरल रिजल्ट होगा। और वैसे सोचे ना, फ्रैक्शन एक्स हाफ किसका किसका होता है? वन हाफ का तो होता ही है, वन प्लस हाफ का होता है ना, टू प्लस हाफ का होता है, सबका फ्रैक्शन जो है, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को क्या करते हो, जनरलाइज करते हो। इसी तरीके से मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है फ्रैक्शन एक्स जो है वो वन बाई टू से वन बाई थ्री के बीच में, ठीक है, उल्टा लिख दिया है मैंने, 0.33 इसकी वैल्यू, 0.5 इधर, तो इधर 1.3 कर लीजिए और इधर 1.2 कर लीजिए। इसको मान लीजिए जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज क्या करोगे, आई प्लस 1/3 से आई प्लस 1/2 के बीच में बिलोंग करेगा आपका एक्स, ठीक है। 1/3 से 1/2 एक पीरियड में हो गया, और उसको जनरलाइज करने के लिए हमने दोनों साइड में सिंपली आई एड कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को जनरलाइज करते हो। तो यहां से हमारी फ्रैक्शन की भी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन से रिलेटेड देखिए सारी प्रॉपर्टीज, ग्राफ, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस पे करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हमने डोमेन और रेंज आपको पढ़ाया था तो वहां पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिए थे। तो पहले हम इसकी डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और इस पे जनरल क्वेश्चंस जो बनते हैं हम लोग उस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जब कभी दिखे तो प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें लगाने के पहले एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा इंटीजर देखिएगा, ठीक है। तो आपकी नजर एकदम ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीजर देखनी चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ किसका डोमेन निकालना, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस सिक्स। तो इसका आपको डोमेन निकालना है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका डोमेन निकालना है तो यहां पे आपको दो रिस्ट्रिक्शन है, एक स्क्वायर रूट का रिस्ट्रिक्शन जो बोलता है कि इसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, और दूसरा डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन जिसके कारण डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। जब आप ये दोनों अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस सिक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन इक्वल टू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन जीरो ना। देखिए ये जो है सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो।
इसके दो फैक्टर मतलब आपको नंबर्स क्या दिख रहे हैं, देखो माइनस थ्री एंड टू, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री प्लस टू जो है वो माइनस वन आएगा, ठीक। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस थ्री इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये आपको मिला। नाउ इस इनइक्वालिटी को आप वेवी कर्व से सॉल्व करते हो, हमेशा इनइक्वालिटी को वेवी कर्व से सॉल्व करते हो। तो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट है देखिए माइनस टू और इसका क्रिटिकल पॉइंट है देखिए थ्री, ठीक है। और ये हो गया आपका वेवी कर्व। ग्रेटर देन जीरो के लिए देखिए क्या मिल रहा है, ये प्लस और ये प्लस, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए मिल रहा है। तो दोनों का हम आंसर लिखते हैं। देखिए ग्रेटर देन जीरो के लिए आप बोलोगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो लेस देन माइनस टू होना चाहिए, लेस देन माइनस टू इक्वालिटी नहीं है, या फिर और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो थ्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन माइनस टू और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, ठीक। अच्छा तो इसका क्या आंसर होगा भाई, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं याद करना, बिना फॉर्मूले के एनालिसिस से सोचिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हमेशा इंटीजर देखिए, ये एकदम आदत बनाइए। तो माइनस टू से छोटा इंटीजर, माइनस टू से छोटा इंटीजर ये माइनस थ्री हो सकता है, माइनस थ्री माइनस फोर ये हो सकता है। तो जब ये माइनस थ्री हो सकता है तो एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स आपका माइनस टू से छोटा लोगे, माइनस टू से छोटा कुछ भी लो, माइनस टू पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट टू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस थ्री आता है और ये माइनस थ्री हो सकता है। और अब ये इंटीजर है जो थ्री से बड़ा है, थ्री नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, लेकिन थ्री नहीं हो सकती। आप एक्स को क्या बोलोगे कि एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू फोर, फोर हो सकता है लेकिन थ्री नहीं हो सकता। तो 3.8 3.9 अलाउड नहीं है क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री हो जाएगा। तो अब ये आर का मतलब होता है यूनियन, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि एक्स बिलोंग्स टू, देखो इस इंटरवल के लिए क्या लिखोगे, माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू, यहाँ पे देखिए ओपन आएगा यूनियन, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, फोर टू इनफिनिटी, और यहाँ पे फोर पे क्या आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू यूनियन फोर टू इनफिनिटी, दैट इज डोमेन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो उसमें बताइए मुझे। बट बिफोर दैट आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले डोमेन रेंज पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज और इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है।